साहस सरोकार। पीएम मोदी आज कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा राज्य सहकारिता मंत्रियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा, पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद। बेंगलुरु में बाढ़ से बेहाल लोग होटल के कमरों में ठहरने को मजबूर, किराए में की हो रही बढ़ोतरी। भारतीय टीम एशिया कप में हुई बाहर, पाकिस्तान पहुंची फाइनल में। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय काशी दौरे पर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम 5:25 पर मऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे और वह बीएचयू व बुलंदशहर पीएसी परिसर के अलावा सिगरा स्टेडियम के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फरुखाबाद के जिला अस्पताल में लोहिया के प्रयोगशाला कक्ष के बाहर बीते दिन हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरअसल लैब कर्मी और मरीज के बीच हुई मारपीट के सामने लैब टेक्नीशियन के अज्ञात लोगों ने खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मारपीट के वायरल वीडियो में कई कर्मचारी एक वृद्ध को पीटते नजर आए। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास के जिला अस्पताल का है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुंदर हमसे जुड़ेंगे। सुंदरम, लैब कर्मी और मरीज के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, क्या वजह है इसकी और क्या जानकारी है आपके पास? जी बताना चाहूंगा कि पूरा मामला बीते दिन का है, जब वहां पर जब एक लैब कर्मी और मरीज के बीच मारपीट हो जाती है, जिसके चलते वहां पर जिला अस्पताल लोहिया में हड़कंप का माहौल रहता है। वहीं इस मामले में एक लैब टेक्नीशियन के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी गई थी, लेकिन अब घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि जो मारपीट है वो दोनों पक्षों से होती नजर आ रही है। कुछ जो कर्मचारी हैं वो एक वृद्ध के साथ मारपीट कर रहे हैं, बाबू से धक्याते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक जरूरी बात यह है कि जो तहरीर दी गई उसमें जिक्र किया गया था कि प्रयोगशाला कक्ष के अंदर रखे हुए सरकारी अभिलेखों को भी फाड़ दिया गया था, लेकिन जो वायरल वीडियो है उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो प्रयोगशाला कक्ष है उसके अंदर रखे जो अभिलेख हैं वो बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इस मामले में अभी और भी जाँच होनी चाहिए कि मामला पूरा क्या है, क्योंकि कहीं इनके मामले को गोलमोल तरीके से दिखाया जा रहा है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं? जी बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा तहरीर लेने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी है। धन्यवाद सुंदरम तमाम जानकारी के लिए। खबर लखीमपुर खीरी के थाना मिथौली क्षेत्र के नीवा गांव से है, जहां भट्टे के पीछे मिला पीडब्ल्यूडी कर्मचारी का शव सब मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। क्या लग रहा है आपको कि शराब के नशे में मौत हुई है या कुछ ऐसा अलग से लग रहा है? तो खून उन पर आएगा तो इनके चोट उठ मारी से है, कोई यही ऐसे नशा बहुत पियती खाती रहा है, ठीक हो जा रहा है, चक्कर घर पर आई जाती रही अपने से ने, और यहाँ पे कल इसे ने घरे नहीं पहुँची पाए। कल जो साथ में था उसने आपको बताया था कि कहाँ पे पड़े हुए हैं? वो खेत में यहाँ बताई सी रहा है। नहीं, ये नहीं बताया था कहाँ पड़े हुए हैं? यो नहीं बताई। संबल के जिला अस्पताल में इमरजेंसी कक्ष के बाहर एक होमगार्ड ने बुजुर्ग महिला के साथ खींचतान की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में एक होमगार्ड महिला को पकड़े हुए है। वहीं वीडियो में महिला कहती सुनाई दे रही है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वह तो दवाई लेने आई थी। साथ ही होमगार्ड कहता सुनाई दे रहा है कि महिला ने चोरी की है।
वाली संभल में सीएससी हॉस्पिटल पर होमगार्ड की ड्यूटी रहती है परमानेंट के लिए। जैसे वहाँ पे मौके पर एक महिला के द्वारा चोरी करने का आरोप लगाया गया तो तत्काल प्रभाव से वहाँ पे होमगार्ड खड़ा हुआ था, तत्काल प्रभाव से उसे पकड़ने का प्रयास किया जिसकी वजह से वो वीडियो बनाई गई, वीडियो वायरल की गई है। मौके पर पुलिस गई है, मौके जाँच की जा रही है, जो सही है उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली से है जहां शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और चोरों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद किया जिसकी कीमत कुल 65 लाख की बताई जा रही है। आपको बता दें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रदेश में अवैध शराब के ऊपर जो अभियान चल रहा है उसके क्रम में जनपद चंदौली में स्वाट टीम द्वारा और थाना चंदौली द्वारा एक शराब की जो अवैध शराब की गाड़ी है उसको पकड़ा गया है, जिसमें एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। ये शराब हरियाणा से स्मगल होकर बिहार की तरफ जा रही थी, इसमें लगभग 365 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं। गोंडा में बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए बनाए गए सुरक्षा कवच यानी बांध का काम अधूरा है। वहीं बांध के कुछ हिस्से मिट्टी और बालू से ही बने दिखे जिसके चलते जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बता दें कि पूरा मामला चंदापुर कटोली बांध का है। खबर ग्रेटर नोएडा के जेवर से है जहां पुलिस के शूटर से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि शूटर नागेश हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। वहीं शूटर 25,000 का इनामी बदमाश है जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। एसओ जेवर द्वारा चेकिंग की जा रही थी, यहां पे यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो अंडरपास को यूज़ करते हुए वो गाड़ी बहुत तेज़ी से भागी। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया तो आगे उसकी गाड़ी स्लिप होकर के गिर गई। उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशांत नागपाल हमसे जुड़ेंगे। सुशांत, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जेवर थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पे कुछ बीते दिन में ही सुपारी किलिंग में एक व्यक्ति को मार दिया गया था, जिसमें कल पुलिस को सूचना मिली थी कल की जेवर थाना क्षेत्र से वो बदमाश वहां से निकल रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, कॉम्बिंग करके बदमाश को घेरने की कोशिश करी, लेकिन जब बदमाश ने पुलिस के कहने पर नहीं रोका तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिस कारणवश बदमाश के एक पैर में गोली लगी और बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, बाकी आगे की जानकारी करी जा रही है। धन्यवाद सुशांत तमाम जानकारी के लिए। संबल के नखासा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। दरअसल ग्रामीणों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को रात भर जानवरों के साथ खूंटे में बांध कर रखा। इसके बाद सुबह होने पर पेड़ से बांध दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फरीदाबाद में उच्च जाति पति ने अपनी दलित पत्नी को दहेज की मांग पूरी ना होने पर ना केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि प्लास से उसके पैर के नाखून नोच लिए। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत पल्ला थाना पुलिस को की और वह 24 घंटे अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस ने ना तो इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई की और ना ही अस्पताल में उसका बयान लेने पहुंची। साल मुश्किल से सही रही है लड़की, उसको छोटी वाली बड़ी वाली बेटी हुई है जब से इसने अत्याचार करना शुरू किया। बार पीट समझाने की कोशिश करी थी, समझा देते, मैंने कहा भैया मत मारा कर, घर में तेरे घर में कोई ना माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, लड़की है मेरी, क्यों मारता है, एक तेरी कन्या भी दी है। अरे जी मुझे क्या मार, मुझे क्या मिला यहाँ से, मैंने कहा जी जो मेरे पे बना मैंने दिया तेरे को, अब क्या दूँ, मैंने कहा अपना कलेजा काट के तो तुझे दूंगी ना, मेरे भी दो बच्चे की बात। अच्छा, रात की बात थी तो उस दिन उसने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मेरे, तो उसने कहा कि मुझे पैसे ला कर दे, रूटी वूटी करता नहीं है, दारू वारू पीता है बहुत, घर पे रहता है, तो उसने मुझसे बोला कि पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला पैसे ला, अपनी माँ से मांग के लेके आ। मैंने कि मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपये पहले दे दिया, अब मेरी माँ कहाँ से देगी।
ये थाना पल्ला का एरिया का मामला है। एक महिला है, वो उसके दो बच्चे हैं और 10-12 साल के, और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में भी ईद का बीच में एक दो पंचायत वगैरह हुई है। और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया आरोपी पर उसके खिलाफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ेंगे। मनोज, दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, क्या जानकारी है इसको लेकर? फरीदाबाद की नहीं है, लगातार कहीं ना कहीं जो दहेज की जो लोगी हैं, कहीं ना कहीं लगातार वो इस तरह की जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और उसी को लेकर ये फरीदाबाद के पल्ला इलाके का जो मामला है ये सामने आया है, जहाँ पर एक पीड़िता को इस बात को लेकर परेशान किया गया था कि वो दहेज नहीं लेकर आई है। उसको लेकर उसको दो तीन बार पहले टॉर्चर भी किया है और इसको लेकर पंचायत भी दो तीन बार हो चुकी है। पर जो पीड़िता है उसके परिवार का साफ कहना है कि 4 लाख की जो मांग थी वो इनकी तरफ से की जा रही है, जबकि 1 लाख की जो पीड़ित परिवार है वो दे चुके हैं और उसके बाद भी पैसा का दबाव बनाया जा रहा था कहीं ना कहीं। और जो महिला है उसको पीटा है और उसके पैर के जो नखून है उसको प्लास्टर खींच दिया, कहीं ना कहीं इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है। मनोज, पति के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की गई या नहीं? वही बता दें, कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से अब पीड़िता की जो शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आखिर मामला क्या है, जो पीड़ित ने शिकायत दी है वो दहेज के मामले को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। और जो पति है फिलहाल वो फरार है पर उसकी तलाश भी की जा रही है, पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जी धन्यवाद मनोज हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।